हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन गेम। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन द लास्ट मंथ। कैसे प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स लाएं इस एग्जाम में जब आपके पास सिर्फ एक महीना ही बचा हो। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, तो घबराने की बात नहीं है। लग रहा होगा कि एक महीना बचा है तो कैसे पढ़े, कैसे प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि अभी जो है दो टाइप के लोग होंगे। एक जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, पूरे साल बुक खोल के भी नहीं देखा है। दूसरे ऐसे टाइप के जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके बैठे होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को शांत करना है, ठीक है, काम योर सेल्फ। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सारे बुक्स को खोलना है और सारे टॉपिक्स देखने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के क्या नेम हैं, क्या आपको वो चैप्टर का जो नेम है या टॉपिक है वो पता है कि नहीं, कोई आइडिया है उसके बारे में, या बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा वो टॉपिक है जो आप पहली बार सुन रहे हो। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स एंड ऑल द चैप्टर्स जो अभी आपके बुक्स में है, क्लियर। तो फर्स्ट टिप में क्या करना है, आपको सारी बातें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, क्लियर। टिप नंबर 2, ट्रेजर हंट। तो आपको करना है ट्रेजर हंट। कैसे करना है, तो बेसिकली यू नीड टू डाउनलोड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इग्नू के एग्जाम जो होते हैं वो दो सेशंस में होते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। एक दिसंबर में होता है, एक जून में होता है। तो आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे, लगभग 5 ईयर्स बैक आप जितने भी हो सकते हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको पहले सबसे पहले सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। तो यानी कि वो क्वेश्चन जो है ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि वो बार बार रिपीट होते हैं, तो ये इस बार भी आ रहा हो, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट दोज रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब क्या करना है, अब आपने जो भी टॉपिक्स पढ़ी थी ना, ठीक है, फर्स्ट टिप में हमने क्या बताया कि आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है, ठीक है, सारे चैप्टर्स के नेम्स को पढ़ लेना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स जो हैं ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, क्योंकि वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली 75% जो होगा ऐसे आपको मिल जाएंगे जितने भी टॉपिक्स हैं, और फिर उन्हीं पर आप फोकस करोगे, बाकियों को छोड़ दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। तो हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेजर हंट करना है, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढने हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन इन दोज क्वेश्चन पेपर्स, एंड देन आपको कनेक्ट करना है अपने स्टडी मटेरियल से, और फिर उन्हीं टॉपिक्स को देखना है। टिप नंबर 3, नाउ हाउ टू राइट द पेपर। सो बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे से आंसर लिखना है, प्रेजेंट करना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसमें कोई स्टोरीज नहीं बनानी है, ठीक है, बहुत घुमाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे स्मार्ट है, वो भी देखेगा, वो भी पढ़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट आंसर्स लिखने हैं, और वर्ड लिमिट को ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपका वर्ड लिमिट होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना आपको लिखना है, ठीक है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का आता है, तो कितना ज़्यादा लिखेंगे, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके कोर्स पे। सो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो उनका सोल्यूशन भी देख सकते हो आप। तो उनके सोल्यूशन से आप ये आइडिया बना सकते हो कि हाँ, कि मुझे कितना लिखना है, ठीक है। 100 वर्ड्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स लिखने हैं फॉर 10 मार्क्स, और 20 मार्क्स के लिए मुझे 400 वर्ड्स लिखने हैं। तो वो सब आपके कोर्स पर डिपेंड करेगा। ऑल्सो अगर आप सोल्यूशंस को चेक करोगे ऑनलाइन, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, क्लियर। सो टू द पॉइंट लिखिएगा और रिपीटेड क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है, उनके सोल्यूशंस को चेक करिएगा, फिर उस हिसाब से एक आइडिया लगा देंगे कि हम कैसे लिखेंगे आंसर को अपना। एंड ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल्स टू बैकअप योर आंसर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है उसको समझ आ जाएगा कि यार यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, ठीक है, और आपको फिर आपने उसमें आंसर इस तरह से आपने प्रेजेंट किया है। सो इसमें काफ़ी अच्छे से आपको फिर मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ टिप नंबर 4, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट दोज आंसर्स इन पॉइंट्स। तो पॉइंट वाइज लिखना सीखो। इसका आप घर पे बैठ के आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो पॉइंट वाइज लिखना। अब लिखना कैसे, हर एक पॉइंट को आप एक हेडिंग दो। सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा अपने आंसर का, ठीक है। एक जस्ट प्रोवाइड कर दो इन द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज़ योर आंसर अबाउट, ठीक है। उस आंसर को पूरा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर दो इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हो। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज लिखना शुरू करो, एंड ईच एंड एवरी पॉइंट को आप एक हेडिंग प्रोवाइड करो, हेडिंग दो, फिर उस पॉइंट को इलाबोरेट करो, एंड देन फर्दर आप इस तरह से इलाबोरेशन करके अपना आंसर खत्म कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल बी प्रेजेंटिंग योर आंसर। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नू एग्जाम में। सो ट्राई कि आप अच्छे से आंसर्स लिखो, रेलिवेंट आंसर्स लिखो, एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दो। और इसी के साथ जो 5th पॉइंट है, दैट इज प्रेजेंटेशन। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है बहुत अच्छे से।
तो प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से देना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग का यूज़ करना है, गुड एंड रीडेबल आंसर्स, जिसको पढ़ के यार पढ़ा जा सके ऐसे आंसर्स लिखना, ऐसे ही राइटिंग में लिखना कि जो आसानी से पढ़ लें, ठीक है, उसको बस दिमाग ना घुमाना पड़े कि आपने क्या लिखा है, वो मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठ गए देखने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से रीडेबल आंसर्स लिखिए। इसके बाद हर एक क्वेश्चन को जब आप आंसर जब स्टार्ट करते हो तो उसे फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, और जितने भी अगर आपका जो आंसर है काफ़ी ज़्यादा पहले ख़त्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पेज जो होता है छूट जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप बहुत सारी लाइन्स छोड़ दो, लेकिन 3-4 लाइन्स आप छोड़ दो, सो दैट सेपरेट रहे आपके आंसर, दिखे एग्जामिनर को दैट ये आंसर दूसरा है वो आंसर दूसरा है। इस तरह से आप प्रेजेंटेशन आप अच्छे से नीट एंड क्लीनली करेंगे। और यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, तो ये 5 टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इन द लास्ट मंथ आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, इसको बहुत अच्छे से डेडिकेट कीजिए अपने टाइम को, और गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स एंड रेलिवेंट टॉपिक्स जो हैं आपके रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से देखिए, एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स इन इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।